सिंपैथिक स्पीशिएशन, सिम के मतलब होता है टुगेदर और एक लैटिन वर्ड है पैटिया जिसके मतलब होता है कंट्री। एक ही जगह पर एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में जो स्पीशिएशन हो, एक स्पीशीज चाहे दो बनाए या दो स्पीशीज के मिलने से एक नई स्पीशीज बनाए, इसको कहेंगे सिंपैथिक स्पीशिएशन। तो एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाले या सिंगल लोकेलिटी में रहने वाले जो पॉपुलेशन है वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होंगे और उनके अंदर जो स्पीशिएशन होगा सिंपैथिक वो इंस्टेंटेनियसली होगा या वेरी क्विकली। और इसमें क्या होगा, एक जो नया इंडिविजुअल बॉन्ड करेगा किसी पॉपुलेशन में वो प्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएगा अदर मेंबर्स जो स्पीशीज के हैं। तो ये म्यूटेशन के द्वारा हो सकता है और म्यूटेशन से जो न्यू बॉर्न होगा वो अदर मेंबर्स से अपनी ही स्पीशीज के रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होगा, वो प्लायोट्रॉपिक इफेक्ट साइड इफेक्ट रखेगा और ऐसे इंडिविजुअल्स मोस्टली सर्वाइव नहीं करते हैं। या पॉलीप्लॉयडी के द्वारा होगा, ये दो तरह की होगी, ऑटो पॉलीप्लॉयडी जिसमें एक सिंगल स्पीशीज से नई स्पीशीज अराइज करेगी और दूसरा होगा एलो पॉलीप्लॉयडी जिसमें दो स्पीशीज हाइब्रिडाइज करके एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन करेंगी। तो इन दोनों केसेस में ऑटो में और एलो पॉलीप्लॉयडी में ये जो हाइब्रिड्स बनते हैं वो स्टराइल हो जाते हैं मोस्टली, लेकिन अगर स्पॉन्टेनियसली सडनली टेट्राप्लॉयड्स बन जाते हैं सेल डिवीजन के एरर के द्वारा जिसमें नॉन डिसजंक्शन क्रोमोसोम का हो जाता है, तो ये एक अपने टेट्राप्लॉयड्स दूसरे टेट्राप्लॉयड से गैमेट जो बनते हैं इनमें उनको फर्टिलाइज करा के एक नई स्पीशीज बन सकती है। डिसरप्टिव स्पीशिएशन जो इसमें होगा सिंपैथिक स्पीशिएशन में, इसमें कोई भी पॉपुलेशन जो है डिसरप्टिव सिलेक्शन के द्वारा पार्टीशन हो जाती है दो हिस्सों में और जो दोनों हिस्से होंगे ऐसा कहा जाता है कि ये दो स्पीशीज बनाएंगे, जो कि ऐसा बहुतायत नहीं होता है, रेयर इवेंट में दो नई स्पीशीज बना सकते हैं। वैसे जो पार्टीशन होता है और जो दो पॉपुलेशन के हिस्से बन जाते हैं वो आपस में ब्रीड करते रहते हैं, उनकी इंटरब्रीडिंग होती रहती है, जीन फ्लो होता रहता है, इसलिए इनके अंदर स्पीशीज नहीं बन पाती हैं, बल्कि ये पॉलीमॉर्फिज्म बनाते हैं अपने ही अंदर, बहुत तरह के आकार की इनकी बनती है। ये एक एग्जांपल है जिसमें कैबेज जिसको पत्ता गोभी कहते हैं और रेडिस, इन दोनों का क्रॉस करा के एक हाइब्रिड बनेगा, ये हाइब्रिड जो है स्टराइल होगा। या दूसरी कंडीशन जो है स्पॉन्टेनियस हो गया तो एक टेट्राप्लॉयड बनेगा जिसको कहेंगे रफेनोब्रेसिका और ये रफेनोब्रेसिका का 2n क्रोमोसोमल नंबर जो है वो 36 होगा। तो इसमें जो है क्रोमोसोम्स का मायोसिस में पेयरिंग हो जाती है और गैमेट का फॉर्मेशन प्रॉपर्ली हो जाता है, इसलिए ये नए इंडिविजुअल्स को बनाते हैं, वो नए इंडिविजुअल्स न्यू स्पीशीज बनाती है।